Hello friends, today we will discuss on the topic introduction to communication system. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। It is a process of transmission of information from source to destination or from sender to receiver. फॉर एग्जाम्पल आप सभी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ आप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो कम्युनिकेशन क्या है इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है बिटवीन टू पर्सन हम डेली लाइफ में बहुत ई मेल करते हैं फेसबुक पर चैटिंग करते हैं तो ये सभी क्या हमारे कम्युनिकेशन है ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें फर्स्ट ब्लॉक है हमारा सोर्स देन सेकेंड ब्लॉक ट्रांसमीटर एंड देन चैनल then receiver and destination. कोई भी सिग्नल जनरेट होता है सोर्स के थ्रू और वो सिग्नल हो सकता है हमारा वॉइस सिग्नल ऑडियो सिग्नल वीडियो सिग्नल वॉइस सिग्नल की हमारी रेंज होती है 300 हर्ट्ज 3.5 किलोहर्ट्ज़ ऑडियो सिग्नल की रेंज होती है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलोहर्ट्ज़ वीडियो सिग्नल की रेंज हो सकती है 0 to 4.5 मेगाहर्ट्ज़ नेक्स्ट ब्लॉक आता है हमारा ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ब्लॉक क्या काम करता है हमारा सोर्स जो भी सिग्नल जनरेट करता है उसको ये ट्रांसमिट करता है चैनल चैनल के थ्रू और रिसीवर तक सेंड करता है उसको तो ट्रांसमीटर हमारे ब्लॉक्स हो सकते हैं सबसे पहला ब्लॉक आता है इसमें ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर क्या होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि किसी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हियर दिस ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट दिस मैसेज सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल नेक्स्ट हम यूज करते हैं ट्रांसमीटर में फिल्टर सोर्स जब सिग्नल ट्रांसमीटर में फीड करता है तो उसके साथ सराउंडिंग की वॉइस सराउंडिंग की जो अनवांटेड साउंड है वो उसमें ऐड हो सकती है तो उसको हम रिमूव करने के लिए यूज करते हैं फिल्टर मैसेज सिग्नल हमारा होता है लो फ्रिक्वेंसी इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं लो पास फिल्टर उसके बाद हम यूज करते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर एम्पलीफायर का काम क्या होता है ये जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसकी पावर को इंक्रीज कर देता है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है फिर उसके बाद हम यूज करते हैं हम मॉड्यूलेटर अभी सिर्फ इतना जान लीजिए मॉड्यूलेटर क्या करता है जो हमारा लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल है उसको हाई फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है कैसे करता है क्या प्रोसेस है ये जानेंगे हम आगे फिर उसके बाद हम यूज करते हैं इसमें एंटीना एंटीना क्या का काम क्या होता है कि जो मॉड्यूलेशन के बाद हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ये ट्रांसमिट कर देता है चैनल में फिर आता है हमारा चैनल चैनल क्या है हमारा एक मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज ट्रेवल करता है फिर आता हमारा रिसीवर पार्ट रिसीवर क्या करता है जो ट्रांसमीटर ने हमारा सिग्नल ट्रांसमिट किया जो इन्फॉर्मेशन ने सेंड किया उसको रिसीव करता है
सबसे पहले इसमें क्या यूज करते हैं हम, एंटीना। एंटीना सिग्नल को कैच करता है, तो एंटीना के बाद हम यूज करते हैं एम्पलीफायर। क्या होता है जब चैनल के थ्रू हमारा मैसेज सिग्नल ट्रेवल करता है तो उसमें एटीन्यूएशन हो सकता है, यानी उसकी पावर रिड्यूस हो सकती है, एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, तो उसको हम पहले क्या करते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसको उसकी पावर को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं इसमें फिल्टर। फिल्टर क्यों यूज करते हैं हम इसमें, क्योंकि चैनल चैनल में यहाँ पर हमारी नॉइस एड हो सकती है। आइडियल कोई भी सिस्टम होता नहीं है तो उसमें नॉइस एड हो ही जाती है, इस नॉइस को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर। और यहाँ पर जो फिल्टर यूज करते हैं हम करते हैं बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्यों यूज करते हैं आगे जानेंगे हम। तो उसके बाद हम यूज करते हैं डीमोडुलेटर, क्योंकि सोर्स ने जो सिग्नल दिया था वो ट्रांसमीटर में क्या हुआ, उसका मॉड्यूलेशन हुआ, यानी जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल था वो कन्वर्ट हो गया हमारा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में, तो जो रिसीवर भी रिसीव करेगा वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, तो जो डेस्टिनेशन में जो सिग्नल जाना है उसको वही सिग्नल जाना चाहिए जो सोर्स ने सेंड किया था, तो इसलिए क्या करते हैं डिमोडुलेट करते हैं। तो डिमोडुलेशन क्या होता है, जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसमें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हमारा मैसेज सिग्नल को। फिर अगेन हम यहाँ पे यूज करते हैं फिल्टर, क्योंकि हमारा डिमोडुलेशन के बाद मैसेज सिग्नल मिल गया है, मैसेज सिग्नल होता है लो फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर। फिर उसके बाद ट्रांसड्यूसर, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है रिक्वायर्ड सिग्नल में। उसके बाद हमारा सिग्नल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है और हमारा पूरा कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन की।